केंद्र सरकार सफलतापूर्वक सबका साथ और सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन उस सरकार के कुछ विभाग जब अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नियमों को ताक पर रख देते हैं और विसंगतियों के सामने आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे देश की जनता ही नहीं विदेशों में रहने वाले भारतीयों का मान भी बढ़ा है। उनके विकसित भारत के सपने को साकार करने में हर भारतीय की भूमिका महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली के हिमाचल भवन में एक पत्रकार वार्ता में सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल सर्वेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने कहा कि हमें गर्व है कि हम आप उस समय है जब देश का कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है उसका ही फल है कि हम आज एक भ्रष्टाचार से जुड़े मसले पर बात करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल सर्वेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना से इतर कुछ चंद अधिकारी मनमानी तरीके से इस तरह के कार्यों में जुटे हैं कि वो उन विदेशी कंपनियों को इंडिया से बाहर दिखाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ कंपनी भारत में निवेश भी करना चाहती है लेकिन अपने स्वार्थ के कारण कुछ अधिकारी ऐसा होने नहीं दे रहे। उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी में आया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक XBIS मशीन के टेंडर की प्रक्रिया में एक ऐसी कंपनी के साथ आगे जाने का फैसला किया है जिनकी मशीन में आग लगने का इतिहास है। उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि इंदौर एयरपोर्ट पर जुलाई 2023 में XBIS मशीन में आग लगी थी। जिस कंपनी की मशीन में आग लगी थी उस कंपनी का हाल ही में टेंडर में कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला कुछ अधिकारियों ने करने का मूड बनाया हुआ है और हो सकता है संभव हो भी गया हो। एक सवाल के जवाब में सर्वेंद्र सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खुद एक सुपरवाइजर ने इस कंपनी की मशीन के अच्छे से काम न करने की शिकायत ईमेल के द्वारा की थी लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की जाँच नहीं की गई। 6 मार्च 11 मार्च और 21 मार्च 2024 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंदौर एयरपोर्ट के सुपरवाइजर ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। सुरक्षा जांच में चुप तक कही गई लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। मामला एयरपोर्ट से सुरक्षा का है, हजारों करोड़ों लोगों की सुरक्षा का है। जिस प्रकार से अमेरिका का इंसिडेंट हुआ, कहीं गलती से कोई ऐसी चीज पास हो जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्कैनर से तो क्या होगा, आप लोग बेहतर जानते हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, एक इस पर जाँच बिठाई जानी चाहिए। टेंडर प्रक्रिया को आसान, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार को जो कदम उठाए जाने चाहिए और मुझे पूरी अपेक्षा है इस सरकार से कि वो ये काम जरूर करेगी। कौन सी कंपनियाँ हैं जिनको आपने नोट किया है कि जो कंपनियाँ का जो बैकग्राउंड है या जो वो भी है उसको? देखिए, मैंने तो केवल इस वर्तमान टेंडर जो चल रहा है उसमें एक जो दैनिक भास्कर में जो अखबार में निकली थी न्यूज़ पुरानी आर्टिकल एक निकला था कि वहाँ पे उसकी कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, उस कंपनी की मशीन में आग लगी थी। जो अब इस पर जाँच हुई नहीं हुई क्या हुआ और दोबारा उस कंपनी को टेंडर की प्रक्रिया में बिना कोई और जानकारी लिए, बिना कोई जांच प्रक्रिया किए भाग लेने को अवसर दिया जा रहा है, जो कि एक थोड़ा शंका पैदा करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बनाने के लिए कोई सलाह देंगे आप सरकार को? देखिए, मेरा पारदर्शी बनाने के लिए सर सलाह देने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो टेंडर के क्लॉजेस हैं उनको आप इंटरप्रिटेशन प्रॉपर कर दीजिए, अच्छे से कर दीजिए, पारदर्शी हो जाएगा। BCN न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार।